हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत ही जानी पहचानी एक फ्लावर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम हिबिस्कस के फ्लावर के बारे में बातचीत करने वाले हैं और उसके प्लांट्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि इस प्लांट से हम लोग कैसे अच्छा से अच्छा फ्लावर पा सकें। फ्रेंड्स, हम सब गार्डनर जब पौधे लगाते हैं तो हम सभी चाहते हैं कि हम लोग का प्लांट्स हेल्दी हो और फ्लावर से जो है प्लांट्स भरे रहें। ये किसे ना पसंद है, लेकिन हमेशा ये जो है मुमकिन होते नहीं है, क्योंकि जैसे हिबिस्कस के प्लांट बहुत ही खूबसूरत है और फ्लावर खूबसूरत है, साथ ही साथ उसमें जो है बहुत सारा प्रॉब्लम भी आ जाते हैं और बहुत सारा जो है कीड़े मकोड़े का समस्या भी जो है देखने के लिए मिल जाते हैं इस प्लांट पे। लेकिन ये सब की परे भी एक बात होती है, वो है प्लांट का हेल्थ। और जब प्लांट का हेल्थ का बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि प्लांट का खाना कैसे मिल रहा है और क्या सब हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्लांट को खाना कि प्लांट जो है हेल्दी बने। अगर प्लांट्स का केयर की अगर बात किया जाए हिबिस्कस का, तो पहले मैं इसका सनलाइट के ही बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इस प्लांट को इतना ज़्यादा सनलाइट पसंद होते हैं कि कभी इसको जो है आप इसको जो 7-8 घंटा की भी इसको धूप लगे, फिर भी जो इसको जो धूप इसको कम ही महसूस होते हैं। लेकिन और अगर लेकिन इस प्लांट को अगर आप शेडी एरिया में शिफ्ट करते रखते तो आप जो है इस पे जो है फ्लावर आपको नहीं मिलेगा। तो अब इस बात को खास ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्लांट को जो है सनलाइट में रखना बहुत जरूरी होती है। बात करें अगर वाटरिंग का फ्रेंड्स, तो इस प्लांट को वाटरिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन ये चीज़ को आपको ख्याल रखना है कि आपका पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा गीले ना हो, तब जो है क्या होगा जड़े जो गलने का संभावना होते हैं। तो इस बात को ख्याल रखें आप वाटरिंग करें, लेकिन प्लांट्स की मिट्टी में जो है नमीपन बने रहना चाहिए। साथ ही साथ इस प्लांट को जो है शावरिंग बहुत पसंद होते हैं, आप 2-3 दिन के अंतर अंतर इस प्लांट को बहुत अच्छा से इसको शावरिंग कर दे, नहला दीजिए बहुत अच्छे से, तो ये प्लांट जो है फ्रेश महसूस करेंगे। और सैलड से जो खाना जो बनते हैं प्लांट्स के, तो प्लांट्स को जो है खाना बनाने में जो है मदद मिलेगा अच्छा से, तो इस प्लांट जो है ऑटोमेटिकली हेल्दी भी होंगे। बात करें अगर कीड़े मकोड़े का फ्रेंड्स, तो कीड़े मकोड़े के लिए इस प्लांट को जो है नीम ऑयल का स्प्रे करिए, चाहे घर पे बना हुआ नीम पत्ती को बॉयल कर लीजिए, जो कि मैं काफ़ी वीडियो में बता चुकी हूँ। नीम पत्ती को बॉयल कर लीजिए, उसके बाद उसी पानी को आप ठंडा होने के बाद जो है बॉटल के सहारे आप पूरा प्लांट को स्प्रे कर दीजिए, इससे जो आपको कोई प्रकार का जो कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होंगे। अगर बात करें इसका फर्टिलाइजर का, जो कि मेन टॉपिक है, तो वो है जो है चाय पत्ती का खाद, जो कि मैं हिबिस्कस के प्लांट के लिए मैं जो है बेहतर एक फर्टिलाइजर मानती हूँ। और मेरा ऐसा अनुभव है कि इस फर्टिलाइजर से जो है बहुत अच्छे जो है अधिक परिमाण में जो है फ्लावर भी बनते हैं, प्लांट्स हेल्दी होते हैं, और जब प्लांट्स हेल्दी होते हैं तो फ्लावर भी अच्छे ही बनेंगे ना। तो इस फर्टिलाइजर को मैं बेस्ट फर्टिलाइजर मानती हूँ। और इसमें जो क्या होते हैं, काफ़ी सारी मात्रा में जो नाइट्रोजन होते हैं, फॉस्फोरस होते हैं और पोटाश की मात्रा तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इसको जो है आप गोबर के खाद के साथ अगर यूज़ करें, काउडंग कंपोस्ट के साथ अगर मिला के यूज़ करें, फिर भी जो है बेहतर रिजल्ट देते हैं। लेकिन ऐसे भी आप अगर यूज़ करें और हर एक प्लांट के पॉट पे आप 2-3 चम्मच ऐसे करके जो है थोड़ा सा दे करके मिलो दे अपना पॉट की मिट्टी में अच्छा से मिला दे इस तरह से, तो फिर भी जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं। क्योंकि इसमें जो क्या होते हैं चाय पत्ती के खाद में, तो इस फर्टिलाइजर यूज़ करने से जो है पॉट की मिट्टी में जो है थोड़ा जो एसिडिक का मात्रा जो है बन जाती है, सॉइल एसिडिक हो जाती है, तो वो जो है प्लांट के लिए बहुत जो ग्रो होने का जो है मदद मिलते हैं प्लांट्स को। और
देखिए मिट्टी इस तरह से भुरभुरी रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप जब भी वाटरिंग करेंगे देखिए तो ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे, देखिए इस तरह से जैसे नमीपन बने रहे लेकिन पॉट की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख भी ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। देखिए ये देखिए इस तरह से बना के रखना है पॉट की मिट्टी को। तो बात कर लेते हैं हम चाय पत्ती का खाद का, तो इसी तरह से जिस तरह से हम जो यूज़ किए उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं और गोबर के खाद के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने जो है इस पर जो है काफ़ी लगभग जो है 15 दिन पहले मैंने इस पर जो है गोबर का खाद का यूज़ किए थे, जिसके लिए मैं और गोबर का खाद इस पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ चाय पत्ती का खाद ही मैं इस पर अप्लाई की हूँ। तो आप अगर चाहे तो गोबर की खाद के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो जो इस तरह से जिस तरह से मैंने किए थे सिर्फ जो है चाय पत्ती का खाद बस 2-3 चम्मच सब प्लांट्स में डाल देना है, इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो है प्लांट्स में जो है फूलों का संख्या भी बढ़ेगा, कलियों की संख्या भी बढ़ेगा, प्लांट भी हेल्दी होगा, और सबसे मेन बात है अच्छी बात है ये कि आपका फूल का साइज जो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े फूल बन के आएंगे, क्योंकि कलियों में हेल्दी इन्ग्रीडियंट बढ़ा रहेगा तो प्लांट्स अच्छे बनेंगे, फूल भी अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।